प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी चार पार्ट इस तरह से दिए हुए हैं कि हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 9 x^3/2 दिया हुआ है। तो 9 को तो फैक्टर हमारे पास बहुत ईजी है, तो 9 3 पे किया तो 3 आ गया, फिर 3 पे किया तो 1 आ गया, तो 9 हो गया हमारा 3 × 3 यानी कि 3^2। तो हम इसको लिख देते हैं 3^2 और उसकी पावर 3/2 3/2। तो अब यहां से हमारे पास जब हम इसको करेंगे तो 3^2 × 3/2 कौन सा नियम हो गया, a^p और इसकी पावर q यानी कि a^p q। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इसकी पावर आ जाएगी 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। ठीक इसी तरह से पार्ट सेकंड देखते हैं हम। पार्ट सेकंड है हमारे पास, ये हमारे पास 32 × 2/5। तो हमें क्या करना है, 32 है हमारे पास, तो 2 पे किया 16, फिर 2 पे किया 8, फिर 2 पे किया 4, फिर 2 पे किया 2 और फिर 2 पे किया 1। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 × 4 × 8 × 16 × 32 यानी कि 2^5। तो लिख दो भाई 2^5 और यहां पे इसकी भी पावर है 2/5। तो फिर वही नियम अप्लाई होगा, a^p और उसकी पावर क्या होगी, यानी कि 2^5 × 2/5। तो ये इसके साथ कट जाएगा, 2^2 आ जाएगा, 2^2 यानी कि 2 × 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया, बिल्कुल इजी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास 16 × 3/4। हम क्या करते हैं यहां पे 16 के लिए करते हैं 2 × 8, फिर 2 × 4, फिर 2 × 2 और फिर 2 × 1। तो 16 को हमने लिखा 2 × 2 और ये 2^4 हो गया, 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2। तो हम इसको लिख देंगे 2^4 और उसकी भी एक पावर है 3/4। अब यहां से लिखे हम a^p और उसकी पावर क्या होगी, यानी कि a^4 यानी 2^4 × 3/4, तो ये 4 कट जाएगा, 2^3 आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8। तो यहां पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पार्ट 3। नेक्स्ट है पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 4 में जो पावर है वो नेगेटिव आ गई, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता हमें इससे, −1/3। तो पहले 125 के लिए कर लेते हैं, 125 5 पे किया तो 25, फिर 5 पे किया तो 5 और 5 पे किया तो 1। तो 125 को हमने लिख दिया 5 × 5 × 5 यानी कि 5^3। तो यहां पे लिख दिया 5^3 और उसकी पावर −1/3। तो 5^ फिर वही नियम अप्लाई हो गया, a^p क्या यानी कि 3 × −1/3। तो ये 3 कट जाएगा, तो 5^-1। तो पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि पावर ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगी, तो हम लिख देंगे 1/5^1। तो 5^1 का मतलब तो 5 ही है, तो इसका आंसर आ गया 1/5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड।